Hello friends, today we will discuss UGC NET 2021 Education Shift 2, 3rd December. All the questions with explanations. Question 1. Which of the following term indicates the intent of a qualitative research study? Explanation, prediction, exploration or estimation? इसमें हमें यह बताना है क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन, एक्सप्लोरेशन और एस्टिमेशन। तो कोई भी जो क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी होती है उसमें हम करते हैं एक्सप्लोर, हम ऑब्जर्व करते हैं, इंडक्टिव अप्रोच लगाते हैं। दिस इज जो फर्स्ट एंड द मेन स्टेप, फर्स्ट एंड मेन स्टेप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी इज एक्सप्लोरेशन। जनरलाइजेशन नहीं लगाते हैं, एक्सप्लोरेशन इज बेस्ट, एक्सप्लेन करते हैं लेकिन एक्सप्लोरेशन के बाद। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, एक्सप्लोरेशन। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ए वेरिएबल विच पोटेंशियली इन्फ्लुएंसेस द आउटकम ऑफ ए रिसर्च स्टडी बट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड एंड कंट्रोल्ड इज नोन एज एट्रीब्यूट वेरिएबल, कन्फाउंडिंग वेरिएबल, मॉडरेटर वेरिएबल और कॉन्कॉमिटेंट वेरिएबल। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है पोटेंशियल influences. So the keyword here is potential influencer. It means ki it threatens the outcome of the study. Aapki research study jo real result hai usko threaten karta hai, to aapke research ka exact result nahi aa pata, isko hum control nahi kar pate, ya ye variable wo hota hai jo researcher ke dhyan mein nahi aata. So the correct answer of this question is option number 2, confounding variable. You have to remember the keyword potential influencer. Now we move to question number 3. A teacher gave a test to 50 students of his class and awarded letter grades A, B, C, D and E to indicate their level of performance in hierarchical order from best to the poorest. Which of the following combinations of scales of measurement has been used? Ordinal and ratio scales, nominal interval scales, nominal and ordinal scales और interval and ratio scales। अब nominal scale तो होगा इसमें क्योंकि जो researcher है वो उसने names लिखे हैं, जैसे letter grades दिए हैं A, B, C, D and E, so nominal is used क्योंकि जो 50 students के name लिखेगी teacher और उनके roll numbers लिखेगी, names और slash roll numbers, so nominal scale is used। अब now ordinal scale is also used क्योंकि यहाँ पे जो keyword आ रहा है hierarchical means ranking, तो इसमें जो teacher ने क्या किया है कि hierarchical order में लिखा है और उनके जो awarded letter grades हैं उनके नाम दिए A B C D and second is hierarchical order also। grades की भी एक range होती है, depends upon the institution, जैसे कोई A grade दे रहा है 90 प्लस जो स्टूडेंट्स ला रहे हैं मार्क्स उनको, इस तरह से इट वेरीज फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशंस। अब सो इसका करेक्ट आंसर हुआ नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। हिस्टोरियन कंडक्ट्स ए रिसर्च स्टडी टू डेवलप ए बायोग्राफी ऑफ ए सोशल रिफॉर्मर एंड पब्लिशेस इट इन द फॉर्म ऑफ ए बुक। The study conducted by him may be called an ethnographic research, phenomenological study, grounded theory or a narrative study. जब भी हम एक बायोग्राफी लिखते हैं या ऑटोबायोग्राफी होती है, ऑटोबायोग्राफी, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, आत्मकथा, मतलब सेल्फ की, ऑटो मीन्स सेल्फ। अब बायोग्राफी जब भी कोई दूसरे इंसान किसी और के बारे में लिखता है तो उसको हम कहते हैं बायोग्राफी। और एक होती है नैरेटिव बेस्ड स्टडी, एथनोग्राफिक रिसर्च ये नहीं होगा क्योंकि एथनो का मीन्स कम्युनिटी, ये स्टडी ऑफ ए कम्युनिटी होता है। फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च भी नहीं होगा, घटनात्मक अध्ययन, ग्राउंडेड थ्योरी भी नहीं होगा, तो ये होगा नैरेटिव स्टडी क्योंकि इसमें क्या है, हिस्टोरियन जो इतिहासकार एक सामाजिक सुधारक की जीवनी विकसित करने के लिए एक शोध अध्ययन आयोजित करता है और उसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज नैरेटिव स्टडी। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
The essential element of a distinction between the concepts of pedagogy and andragogy is. अब हमें ये पता होना चाहिए कि पेडागोजी और एंड्रोगोजी दे बोथ, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। अब इसमें अंडर 18 की भी होती है टीचिंग एंड अबव 18 आल्सो, दोनों को हम काउंट कर सकते हैं। एंड्रोगोजी जो पेडागोजी क्या है, पेडागोजी एक्चुअली पेडागोजी इज ए जनरल कॉन्सेप्ट, ये है जनरल कॉन्सेप्ट। और एंड्रोगोजी क्या है, एंड्रोगोजी एक्चुअली इट इज ए स्पेसिफिकली आर्ट्स एंड साइंस ऑफ टीचिंग एडल्ट्स, आर्ट्स एंड साइंस ऑफ टीचिंग एडल्ट्स। इसमें आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो काफी ज्यादा हो चुकी है कंपेयर टू एडोलेसेंट्स, एडल्ट्स के जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं इस पर आधारित होती है। सो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्सेप्ट्स ऑफ पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी इज रोल ऑफ प्रीवियस लाइफ एक्सपीरियंसेस इन लर्निंग। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल इवेल्युएशन CCIE एंड फीडबैक मैकेनिज्म आर द एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ सम्मेटिव इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन और प्लेसमेंट टेस्टिंग। अब यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीवर्ड इज कॉन्टिन्यूस एरर। तो कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन जो भी होता है तो हमेशा फॉर्मल होता है इवेल्युएशन, जैसा कि हमें पता है। एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये होता है समेटिव इवेल्युएशन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग दिस इज समेटिव, एंड असेसमेंट फॉर दिस इज फॉर्मेटिव। इसमें इट इज ए कॉन्टिन्यूस लर्निंग। स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने के लिए क्राइटेरिया भी सेट किया जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और कॉन्टिन्यूस लर्निंग होती है फॉर्मेटिव लर्निंग में, इसमें हम फीडबैक भी देते हैं। और एक जैसे ऑप्शन दिया प्लेसमेंट डिसीजंस, ये तो होते हैं प्रिडिक्टिव, जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन इज फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, की वर्ड हेयर इज कॉन्टिन्यूस। नाउ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवोल्यूशन। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड की बात कर रहा है, यहाँ पर जैसे किसी एंट्रेंस टेस्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ कॉम्पिटेंसी की बात हो रही है। कॉम्पिटेंसी इज द की वर्ड। तो जब भी कॉम्पिटेंसी की बात की जाएगी तो हमारा ऑप्शन होगा क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज इन द प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवोल्यूशन इज अ क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर्स। इसका मतलब है कि अगर ये क्राइटेरिया कोई सेट किया गया, उसे आपने पार कर लिया, तो यू आर कॉम्पिटेंट इन इट। यहाँ पर सिर्फ कॉम्पिटेंसी की बात की गई है, यानी कि आप एक स्किल लर्न कर चुके हैं या नहीं, क्योंकि क्राइटेरिया सेट कर दिया गया और अगर वो क्राइटेरिया आपने पार कर लिया तो यू आर कॉम्पिटेंट इन इट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, If the lowest score in distribution is increased by a small quantity and the highest one is decreased by the same quantity such that their relative rankings are not changed, then in the new distribution, which of the following measures will not change? Mean, median, mode, variance, quartile, deviation. A mean kya hota hai? Jab bhi aap yahan dhyan mein rakhna hai, aapko mean will remain the same. Mean will remain the same. Median, median hume pata hai. Median kya hota hai? Median is the midpoint. मीडियन क्या है, मिड पॉइंट है, इक्वल स्कोर्स को इंक्रीज किया गया है। और क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है व्हेन यू अरेंज द नंबर्स फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर और वाइस वर्सा एंड यू डिवाइड देम इनटू Q1, Q2 एंड Q3 रेंजेस। तो क्वार्टाइल डेविएशन भी सेम रहता है, इसका में मीडियन मीन भी सेम रहेगा, मीडियन भी सेम रहेगा और क्वार्टाइल डेविएशन भी सेम रहेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बी एंड डी। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इज स्टैटिस्टिकल मेजर बेस्ड ऑन द एंटायर पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पैरामीटर। जब हम बात करते हैं एंटायर पॉपुलेशन की तो हम एज्यूम करते हैं पैरामीटर को, सैंपल की भी जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं उन्हें पैरामीटर के बेस के ऊपर ही सैंपल होता है।
अब इसमें हमें देखना है कि पैरामीटर्स की क्या क्या करेक्टर, इट वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल, दिस इज रॉन्ग, इट कैन बी प्रैक्टिकली कंप्यूटेड फॉर अ फाइनाइट पॉपुलेशन, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. सी, इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू फॉर अ गिवन पॉपुलेशन अंडर गिवन कंडीशंस. किसी गिवन पॉपुलेशन की गिवन कंडीशंस के अंदर पैरामीटर की फिक्स्ड वैल्यू होगी, दिस इज ऑल्सो ट्रू. इट चेंजेस विद द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, दिस इज रॉन्ग, एंड इट कैन बी एस्टिमेटेड बाई यूजिंग सैम्पलिंग वेरियंस. So this is also true. So the correct answer options are B, C and E. B, C and E. So the option 1 is correct. Now we move to question number 10. Which of the following statements are true for reliability of a measuring instruments? कौन-कौन से instruments statements सही हैं reliability के बारे में किसी measuring instrument की? It is fixed for a given instrument. This is wrong. Reliability, it is correlation of scores on measuring instrument with themselves, this is true. It varies from sample to samples, this is also true. Its value can vary from minus 1 to 0, ये तो correlation में होता है, minus 1 to plus 1. Reliability जो होती है 0.8 से अबव होती है, so ऊपर आनी चाहिए. And it is always from 0 to 1, positive होती है हमेशा reliability. It is affected by the size of the sample used for its determination, this is also true. So the correct options are B, C and E. So the correct answer is option number 2, B, C and E. Now we move to question number 11. Which of the following are the key processes in designing an experimental research study? किसी भी experimental research study को design करने की key processes कौन-कौन सी हैं? Manipulation of changes in the outcome, this is wrong. Random assignment of subjects to experimental and control groups, this is absolutely true. Exercising control over extraneous variables, this is also true. Observation of changes in the treatment variable, this is wrong. Random assignment of treatments to groups, this is also true. So the correct options are B, C and E. So the answer is option number B. Option number 2, B, C and E. Now we move to question number 12. Which of the following statements about adult learners help an instructor while developing its andragogy? Learning process is self-directed, independent. Ye sahi hai. Adult learning ki, this is an important characteristics of adult learning. Previous life experiences have limited role in learning process. This is false. Previous life experiences has an important role. So this is wrong. Desire of self-development to cope with changes in lifestyle and work environment. This is true. What to learn and how to learn is decided by instructors or other authorities. This is wrong, because this is a self-directed and independent learning, and motivation to learn is guided by desire to enhance self-esteem, self-confidence and recognition. This is true. So the correct options are A, C and E. That is, option number 1 is absolutely correct. Now we move to question number 13. What is not said may be more meaningful than what is said. Is an idea that led to the development of. जो नहीं कहा गया वह कहे गए की तुलना में अधिक सार्थक हो सकता है, यह एक विचार है जिसके कारण विकास हुआ. Flanders interactional analysis of teaching behavior, Guilford's structure of intellect mode of intelligence, Galloway's system of interaction और Piaget's theory of cognitive development. This is an important of idea that led to the development of Galloway's system of interaction analysis of, क्योंकि इसमें जो कह रहा है कि वर्बल बिहेवियर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जो गैलो बेस सिस्टम था, वर्बल बिहेवियर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट्स व्हाई व्हाट इज नॉट सेड मे बी मोर मीनिंगफुल देन व्हाट इज सेड. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. बिफोर गैदरिंग डेटा फॉर हिज रिसर्च एन इन्वेस्टिगेटर आस्क हिमसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑफ आस्किंग आंसरिंग दीज क्वेश्चंस. How will data be collected? How will the sample of subjects be selected? What information will be collected? Who will be the subjects to give information? So the sequence, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि what information will be collected? Sampling. पहले researcher को ये पता होना चाहिए कि वो क्या collect करने जा रहा है. So the first step is what information will be collected. फिर यहाँ पर population को identify कर रहा है. Who will be the subjects of to give information, मेरा sample कौन सा होगा, sampling technique कौन सी होगी, then what will be the sample of subjects related, then
बी एंड उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि सैम्पलिंग टेक्निक क्या है, हाउ विल डेटा बी कलेक्टेड. सो द करेक्ट ऑप्शन आर सी डी बी एंड ई, बी एंड ए, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 15. द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ सिलेबस ऑफ ए टीचिंग सब्जेक्ट आर लिस्टेड बिलो. Formulation of instructional objectives and stating them in behavioral terms. Selection of teaching method, classroom activities and needed equipment. Content analysis of subject matter in terms of units, subunits, concepts and subconcepts. Choice of appropriate method of evaluation of learning outcomes. सबसे पहले जो step है वो है content analysis. So the first step is content analysis of a subject matter in terms of units, subunits, concepts and सब कॉन्सेप्ट. दिस इज द स्टेप फर्स्ट. देन सेकेंड स्टेप इज द फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड स्टेटिंग देम इन बिहेवियर टर्म्स. सबसे पहले जो सब्जेक्ट को पढ़ाना है और उसको ब्रेक डाउन करना होगा, क्या यूनिट सब यूनिट्स हैं, ये होगा कंटेंट एनालिसिस में. उसके बाद प्लानिंग के अंदर से लिखेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव चाहिए और क्या ऑब्जेक्टिव होंगे. दिस इज द स्टेप टू. And third step is selection of teaching methods, classroom activities and needed equipment. कौन से teaching methods होंगी, classroom activities और क्या equipments use होंगे. उसके बाद methodology of teaching, कैसे पढ़ाना है, उसके बाद होगा evaluation. The last step is choice of appropriate method of evaluation and learning outcomes. So the correct sequence is C, A, B and D. So the correct answer of this question is option number 3. Now we move to next question. Match list 1 with list 2. List 1. Purposeful collection of a student's work, samples, self-assessment statements for assessing his progress in learning. This is, ye hoga portfolio mein. Actually, this is it. This comes under portfolio. Ye hoga portfolio mein. Next is process of corroborating data from different individuals of sources. Jab hum data ko corroborate करते हैं from different individuals of sources, this comes under triangulation. Detailed in construction of a person's life stories, experiences and achievements, it comes under biography. A scoring tool that lists the criteria at various levels of quality for assessing a piece of work, this comes under rubric. So the correct answer is rubric. में जो हमें दो या ज्यादा स्कोरिंग कीज दी जाती हैं, मोर स्कोर्स, सॉरी यानी कि ट्रायंगुलेशन में इट इज फ्रॉम टू और मोर सोर्सेस एंड रूब्रिक इट इज स्कोरिंग गाइड, यू कैन से इसको हम कहते हैं स्कोरिंग गाइड रूब्रिक. सो द करेक्ट इज पोर्ट, फर्स्ट वन इज पोर्टफोलियो 1-3 एंड 2 इज ट्रायंगुलेशन 2-1 3 biography, it come C5, 4 is 2. So इसमें हमारे correct options आ रहे हैं A3, B1, C5 and D2. This is the correct answer, option 2. Now we move to question number 17. Match list 1 with list 2. Content validity, concurrent validity, predictive validity and construct validity. अब content validity एक content है जिसे आपको learning, जिससे learning material बनाना है. तो content validity हो गई the extent to which a test samples the learning material of the curriculum. This is the content validity. क्योंकि इसमें हमें content बनाना है. Next, construct का keyword है psychological entity या एक attribute, या आप एक ऐसा variable लेते हैं जिसके आप directly मेजर नहीं कर सकते हैं. सो कंस्ट्रक्ट का जो कीवर्ड आ रहा है साइकोलॉजिकल ट्रेट, एक्सटेंट टू विच ए टेस्ट मेजर सम आइडेंटिफाइड बेसिक. सो डी का है सेकंड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. कीवर्ड इज साइकोलॉजिकल ट्रेट. एंड कॉन्करेंट क्या होती है, समथिंग विच इज प्रेजेंट. कॉन्करेंट में समथिंग विच इज प्रेजेंट, कीवर्ड इज प्रेजेंट. डिग्रीज टू विच ए टू टेस्ट स्कोर्स कोरिलेट विद प्रेजेंटली अवेलेबल क्राइटेरियन. So this is concurrent validity. अब predictive क्या आ गया? Predictive का मतलब होता है correlate. It means C का first होगा extent to which द
टेस्ट स्कोर्स कोरिलेट विद द क्राइटेरिया. यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है, कंस्ट्रक्ट का कीवर्ड है. कंस्ट्रक्ट इट्स कीवर्ड इज साइकोलॉजिकल ट्रेट. साइकोलॉजिकल ट्रेट कॉन्करेंट द कीवर्ड इज समथिंग विच इज प्रेजेंट. प्रेडिक्टिव कीवर्ड इज कोरिलेट. कंकरेंट प्रेजेंट रिलेटेड होता है और जो प्रेडिक्टिव फ्यूचर रिलेटेड होता है. प्रेडिक्टिव इज फ्यूचर रिलेटेड. और जो कंटेंट है इसमें आपको बताना है कि लर्निंग मटेरियल बनाना है. आपको एक पर्टिकुलर कंटेंट है उसको, उससे भी टेस्ट को जो बनाया और आप चेक कर सकते हैं कि वेदर दिस मटेरियल इज एक्सटेंट टू विच इट टेस्ट सैंपल्स द लर्निंग मटेरियल ऑफ द करिकुलम. लर्निंग मटेरियल. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए 3, बी 4, सी 1 एंड डी 2. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन. असर्शन और रीजन दिया गया है. असर्शन ए, इन द केस ऑफ स्मॉल सैंपल्स यूज ऑफ नॉन पैरामेट्रिकल स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज रिकमेंडेड फॉर एनालिसिस ऑफ रिसर्च डेटा. And reason is the sampling errors are large in case of small samples, due to which parametric tests do not give dependable results. अब ये जो assertion है इसमें कह रहा है कि in case of small samples, use of non-parametrical statistical tests is recommended for analysis of research data. तो यहाँ पे जो हमें ध्यान में रखना है कि एक नए जो parametric test है इसमें small इन केस ऑफ स्मॉल सैंपल्स नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज रिकमेंडेड फॉर एनालिसिस रिसर्च डेटा. असर्शन जो है बिल्कुल सही है. अब रीजन इसका क्या है, सैम्पलिंग एरर्स आर लार्ज इन केस ऑफ स्मॉल सैंपल्स ड्यू टू विच पैरामेट्रिक टेस्ट डू नॉट गिव डिपेंडेबल रिजल्ट्स. अब यहाँ पे हमें जो ध्यान देने वाली बात है कि असर्शन में बात कर रहा है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की और रीजन दे रहा है पैरामेट्रिक टेस्ट का. तो assertion तो सही है लेकिन reason गलत है. reason जो assertion है बिल्कुल सही है और reason है गलत है. एक non parametric test जो होता है less reliable होता है than parametric test and it is used in case of small samples क्योंकि वहाँ पर normal distribution बननी मुश्किल हो जाती है. तो इसका answer है both A and R are true but R is not the correct explanation of A. ये जो reason है ये भी है तो सही कि सैम्पलिंग एरर्स आर लार्ज इन केस ऑफ स्मॉल सैंपल्स ड्यू टू विच पैरामेट्रिक टेस्ट डू नॉट गिव डिपेंडेबल रिजल्ट्स बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 में कर रहा है बहुत बार आप पढ़ चुके हैं. इन्वेस्टिगेटर कमिट्स टाइप टू एरर in his research when he rejects null hypothesis when it is true, when he rejects null hypothesis when it is false, when he accepts null hypothesis when it is false, when he accepts null hypothesis when it is true. Isko ek bar hum aur discuss kar lete hain detail mein. Now we will discuss it in detail also. Now first of all we will make the table of the null hypothesis. This is null hypothesis which is depicted by H naught and here decision. डिसीजन अबाउट नल हाइपोथेसिस ऑन द, ये हमने टेबल बना ली है. यहाँ पे हम बता रहे हैं ट्रू. वेन नल हाइपोथेसिस ट्रू और हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. हियर ऑल्सो वी कैन, ये हमने लिख लिया एक्सेप्ट, दिस इज रिजेक्ट. इफ नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड वी एक्सेप्टेड दिस इज द करेक्ट डिसीजन. यहाँ हम टिक लगा के दिखा रहे हैं एंड दिस इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंस लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल बोला जाता है इसको. कॉन्फिडेंस लेवल एंड इट इज डिपिक्टेड बाय 1 माइनस अल्फा. एंड सिमिलरली व्हेन नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स एंड वी रिजेक्टेड दिस इज आल्सो द करेक्ट डिसीजन एंड दिस इज, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस बीटा. अब हम व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड वी रिजेक्टेड, जब नल हाइपोथेसिस सही है और इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं टाइप 1 एरर. दिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर and it is depicted by alpha and it is also called false positive. False positive. And when we accept the false null hypothesis
This is type 2 error and it is depicted by beta and it is called false negative. False negative. तो यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि जो टाइप 1 एरर है इट इज कॉल्ड अल्फा एंड फॉल्स पॉजिटिव, वेयर इज टाइप टू एरर व्हेन वी एक्सेप्ट द फॉल्स नल हाइपोथेसिस और व्हेन वी फेल्स टू रिजेक्ट द फॉल्स नल हाइपोथेसिस इट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर और बीटा एरर एंड इट इज डिपिक्टेड बाय फॉल्स नेगेटिव. फॉल्स का मतलब होता है कंक्लूजन ड्रॉन इज इनकरेक्ट. कंक्लूजन इज इनकरेक्ट, जो हमने कंक्लूजन निकाला है वो गलत है. एंड पॉजिटिव मीन्स रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस विच इज डिपिक्टेड बाय एच नॉट, वेयर इज नेगेटिव मीन्स एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस. सो इट इज क्लियर द करेक्ट आंसर इज व्हेन वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्ट, दिस इज ए टाइप 2 एरर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. Now we move to next question, that is question number 20. In the process of collecting data for a quantitative research, the following steps are followed in a certain order. Place them in correct order. इसने steps दिए हुए quantitative research के, तो उनको हमें correct sequence पता नहीं है. तो इसमें सबसे पहले जो step होता है वो होता है identify the research instruments. तो हमें जो भी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है. दिस इज द स्टेप 1. उसके बाद क्या करना है, उसके बाद द स्टेप 2 इज सेलेक्ट अ सैंपल बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड्स. उसके बाद क्या करना है कि हमें सैंपल को डिसाइड करना होगा. सैंपलिंग फ्रेम को हम अप्रोच करेंगे. थर्ड इज उसके बाद हम सीकिंग परमिशन ऑफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी. एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से हम परमिशन लेंगे कि हमें कहाँ पर डेटा कलेक्ट करना है. ऑप्शन 4 है अप्रोचिंग द सैम्पलिंग फ्रेम, देन वी अप्रोच द सैम्पलिंग फ्रेम. उसको अप्रोच करेंगे, दिस इज स्टेप 4. एंड स्टेप 5 है एडमिनिस्ट्रिंग द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट टू सैम्पलिंग यूनिट्स. जो रिसर्च हमने इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट किया है, जैसे कोई भी हमने जो रिसर्च टूल सेलेक्ट किया है, क्वेश्चनेयर है, इंटरव्यू शेड्यूल या जो भी है केस स्टडीज, देन वी विल अप्लाई टू द सैम्पलिंग यूनिट्स. सबसे पहले एक बार और हम इसको रिवाइज कर लेते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स. सबसे पहले कि पॉपुलेशन को जो है रिसर्च इंस्ट्रूमेंट आपको डिसाइड करना है. उसके बाद आपको सैम्पलिंग जो है सैम्पलिंग मेथड डिसाइड करना है कि आप क्वेश्चनेयर यूज करेंगे या फिर डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे. उसके बाद सीकिंग अथॉरिटी से परमिशन लेनी है. उसके बाद सैम्पलिंग फ्रेम को अप्रोच करना है. और लास्ट में जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट हमने सेलेक्ट किया उसको एडमिनिस्टर करेंगे. सो द करेक्ट सीक्वेंस इज ए डी सी ई एंड बी. ए डी सी ई एंड बी, दैट इज द ऑप्शन नंबर 1. इट इज द करेक्ट आंसर. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following is a mandatory requirement to receive grants from University Grants Commission? Shall be a grant in aid institution established by central or state government, matched by an international quality control body like ISO, accredited by the National Assessment and Accreditation Council. तो सबसे important point ये हम कई बार पहले भी discuss कर चुके हैं, जो mandatory requirement है to receive grants from UGC. और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इज एक्रेडिटेशन बाय नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, दैट इज नैक. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज द स्कोर नीडेड बाय एन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन टू गेट एन A+ ग्रेड फ्रॉम नैक. अब नैक में जैसा कि हमें पता है 7 क्राइटेरिया दिए गए हैं कि एक इंस्टीट्यूशन जो भी है उसको अगर हायर एजुकेशन कि A+ ग्रेड देना है, तो यहाँ पे हमें जो बातें ध्यान में रखनी है, A+ ग्रेड के लिए जो नैक ने क्राइटेरिया रखा है वो है 3.01 से लेकर 3.25 तक. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ये सॉरी फॉर दिस इज फॉर A ग्रेड और A+ के लिए है 3.26 to 3.50 और A++ के लिए है 3.51 to 4. So the correct answer is 3.25.
3.26 to 3.50 for A plus accreditation from NAC. Now we move to question number 23. Which of the theories of leadership explains the crucial relationship between productivity and concerns for employees? अब इसमें बता रहा है कि कौन सी जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है क्रूशियल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड कंसर्न्स फॉर एम्प्लॉयज, मैनेजेरियल ग्रिड, फील्ड थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी और ट्रांजैक्शनल थ्योरीज। तो यहाँ पे फील्ड थ्योरी भी नहीं है, दिस इज रॉन्ग, ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो रॉन्ग, ट्रांजैक्शनल इज ऑल्सो। द करेक्ट आंसर इज मैनेजेरियल ग्रिड। नाउ वी विल डिस्कस इट, थोड़ा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इट दिस थ्योरी मैनेजेरियल ग्रिड की जो दी थी, इट इज गिवन बाई आर आर स्टेक एंड J.S. Morton. The managerial grid theory है ये जो है, इसमें क्या होता है कि जो x axis पे ensures the model is represented as a guide, as a grid with concern for production. ये देखिए एक grid बना दिया हमने, here this is an important thing. The axis is, it shows the concern for production on the x-axis or the horizontal axis, and concern for people on the vertical or y-axis. As you can see in the figure, this is high and this is low. Here also vertical side, this is high and this is low, and this is low, high, again low, high. This is on the x-axis. Now first of all, each axis ranges from 1 to 9. 1 is the lowest and 9 is the highest. Ab isme hum discuss karenge the 5 leadership styles under this theory are as follows. First is 1-9. As you can see in the figure also, this is 1-9. This is the country club management. It shows high concern for people and low for production. Second is team leadership. Here it is 9-9. Both you can see the concern for production is also high and the concern for people is also high. And third is impoverished leadership. It is 1-1, where the concern for people is also low and the concern for production is also low. And one is, here it is 9-1. It is produce or perish leadership. Here the production is high, whereas concern for people is low. And in the center you can see, yahan pe dono jo hain balanced hain. 5-5, this is middle of the road on medium production and medium people. So you can see, as shown in the figure, the model, managerial grid model, is represented as a grid with concern for production on the x-axis and concern for people on the y-axis, and each axis ranges from 1 low to 9 high. So I think this must be clear to all of you. Now we move to next question, that is question number 24. Which of the following points states the concept of the Japanese model of just-in-time model? This is also important. Ye Japanese ne diya tha just-in-time, or JIT bhi hum isko bolte hain model. To isme sabse important hai ki minimum time mein jitna order hai utna hi stock banana hai. Agar jaise 10 cheezon ko order diya to 10 hi stock mein rakhne chahiye, 20 hame nahi rakhne hain. Jaise koi bhi cheez hame manufacture karni hoti hai har company ko, to uske liye raw material chalta hai, चाहिए होता है, उसका रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जिससे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा, तो कंपनी को भी बेनिफिट होगा और टाइम भी कम लगेगा और अच्छा मटेरियल मिलेगा. दिस इज ए जापानीज कॉन्सेप्ट इन टाइम जस्ट इन टाइम मॉडल. इसको हम JIT मॉडल भी कहते हैं, और इसका एक दो डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं कि इट मींस इम्प्रूवमेंट optimum process and procedure by pursuing waste reduction or inventory management system.
with continuous improvement. With continuous improvement. किसी भी प्रोसेस को अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट, चाहे रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, उसकी डिमांड उसी समय फुलफिल करनी चाहिए. उसको हमको पहले से ही स्टॉक को ज़्यादा इकट्ठा करके नहीं रखना है. उस जिस चीज़ को हमको प्रोसेस करना होता है उसी समय पर हम लेकर आएँ जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसको एट ए टाइम ही लेके आना. एंड दिस इज ऑप्टिमम प्रोसेस एंड प्रोसीजर बाय परस्यूइंग वेस्ट रिडक्शन. इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, इसमें क्या होगा, इम्प्रूव्ड क्वालिटी होगी, इससे इम्प्रूव्ड क्वालिटी, लेस स्पेस इज नीडेड, कम स्पेस की हमें जरूरत पड़ेगी. नेक्स्ट इज इजी टू हैंडल, इन्वेंट्री को जो हैंडल करना है वो आसान हो जाएगा. रिड्यूस वेस्टेज, ये वेस्टेज को क्या करेगा, वेस्टेज रिडक्शन, वेस्टेज जो होगा कम होगा. जो भी आपकी डिमांड है उतना ही प्रोडक्शन को स्टॉक करें. जो भी आपको प्रोडक्शन करनी है एट ए टाइम, रॉ मटेरियल को लाने के लिए पहले से स्टॉक मत रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान कम होगा उतना स्पेस कम रहेगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज मिनिमाइज टाइम फ्रॉम विद इन प्रोडक्शन टू सप्लाई टू कस्टमर्स. दिस इज the concept of Japanese model of just-in-time model or JIT model. Now we move to question number 25. What is the main disadvantage of bureaucratic management? अब ये कह रहा है कि bureaucratic management जो है उसका main disadvantage क्या है? इसका जो employees get irritated, ये तो disadvantage नहीं है. Productivity gets affected, this is also not, productivity तो affect नहीं होगी. इट इज टाइम टेकिंग, ये एक डिसएडवांटेज है क्योंकि इसमें पूरा जो है कि सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, इसमें पेपर वर्क भी बहुत होता है एंड इट इज वेरी, ये लेंथी प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग, लेटर हैज अ लॉट ऑफ रिस्क, ये भी बिल्कुल गलत है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट इज इट इज टाइम टेकिंग. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 26. Among the types of disabilities in our population which can be found more in terms of its percentage. अब इसमें बता रहा है कि जो भी disabilities दी गई हैं वो percentage के हिसाब से कौन सी disability सबसे ज़्यादा होगी. Mental disability, locomotor disability, hearing disability और visual. अब हमें ये ध्यान में रखना, mental disability होती है 0.2%, locomotor होती है 0.6%, हियरिंग होती है 0.1% एंड विजुअल होती है 1% के करीब. सो द करेक्ट आंसर इज विजुअल डिसेबिलिटी इज दैट डिसेबिलिटी विच कैन बी फाउंड मोर इन टर्म्स ऑफ इट्स परसेंटेज. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 27. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज आर लिस्टेड इन द PWD एक्ट ऑफ 2016. जो PWD एक्ट है इसमें हमें ध्यान में रखना है 21 डिसेबिलिटीज हैं जिनको की रखा गया है. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 28. हाउ आर द नॉर्मल चिल्ड्रन अफेक्टिव इन इंक्लूसिव एजुकेशन. प्रॉपर सोशल एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट गेट्स हैम्पर्ड, दिस इज रॉन्ग. डेवलप्ड नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द, ये भी गलत है. देयर इंटरेस्ट टू स्टडी अफेक्ट नेगेटिवली, सब नेगेटिव आ रहा है, दीज आर ऑल रॉन्ग. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. Now we move to question number 29. Which of the following statements represents the meaning of inclusive education? A system of education where the disabled children are given special care, system where the special children are taught by trained professionals, a system where normal children and children with special needs are taught together. Inclusive hota hi hai ki embracing all. Isme ki sab, all children are taught under one roof. So this is absolutely correct. The correct answer is option number 3. Now we move to question number 30. As a teacher, which of the following act shall be your prime duty to make education inclusive? एक शिक्षक के रूप में कौन सी कार्य शिक्षा को समावेशी बनाने में आपका प्रमुख कर्तव्य होगा? Plan as lesson effectively, have positive attitudes towards inclusion, identify children with special needs and adapt pedagogy accordingly. This is the most important, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को पहचान कर उसी के अनुसार आपको शिक्षण शास्त्र को अनुकूलित करना होगा.
So the correct answer is option number 3. Now we move to question number 31. Match list A with list 2. Isme types of disability diye hui hai aur percentage of disability in India diya hua hai. Yehi question abhi humne thodi der pehle hi kara tha. Mental disability kitni hai? 0.2%. Locomotor disability kitni hai? Visual disability hai 1%. Locomotor disability hai 0.6% और hearing disability के 0.1%. So the correct answer is A का 4, B, A is 3, B 4, C 1 and D 2. So the correct answer is option number B. Now we move to question number 32. Match the list A with list 2 by considering and its founders. अब यहाँ पे हमें match करना है जो थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट और कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं एक तरफ और सेकंड में दिए हुए हैं फाउंडर्स का नेम. अब जैसे हमें पता है मैंने थ्योरी एक्स एंड वाई दी थी मैकग्रेगर ने, पीडीसीए प्लान टू चेक एक्ट ये थी, एडवर्ड डेमिंग ने साइकिल दी थी ये एक्शन रिसर्च की, तो ये दिस इज एडवर्ड डेमिंग. सी का है 1, डी का है हमारा 2, ए का है हमारा 3, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स ट्रीटेड रकन और पॉट स्कोर जो बताया था हमने ये है सी का, बी का सॉरी इट्स 4, लूथर गलिक ने दिया था. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. व्हिच क्राइटेरिया कैन बी फॉलोड टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. इफेक्टिवनेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन को जज करने के लिए हमें कौन सा क्राइटेरिया रखने हैं. आइडेंटिफिकेशन एंड एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एब्सोल्युटली ट्रू, पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स दैट इज CWSN चिल्ड्रन टीचिंग लर्निंग ट्रू, पेरेंट्स गेट रिलीव फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो गलत है, इसको हमें क्राइटेरिया को नहीं लेना है. डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज पर देयर पोटेंशियल एब्सोल्युटली ट्रू, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन स्कूल एक्टिविटीज दिस इज रॉन्ग. सो द करेक्ट आर ए बी एंड डी. ये ऑप्शन किस में आ रहे हैं अब देखें हम A, B and D. So the correct answer is option number 1. A, B and D. Now we move to question number 34. What are the basic principles of total quality management as a process? Total quality management mein kya hai? Customer satisfaction hona chahiye. This is true. Total employee involvement. This is also true. Salary to employee ki baat nahi ho rahi. Effective communication hona chahiye. Fact-based decisions hona chahiye. तो हमें सी को एलिमिनेट करना है. यहाँ पे एक चीज और आप यूज कर सकते हैं कि बाय एलिमिनेटिंग सी, एलिमिनेशन मेथड यूज करके यू कैन एलिमिनेट ऑप्शन सी. तो यहां देखिए सी आ रहा है, इसको आप काट दीजिए, सी वाला कटेगा, ये भी कटेगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स ऑन एसर्शन रीजन दिया गया है. एसर्शन ए, PWD Act 2016 is based on the principles of respect for inherent dignity, individual autonomy, including the freedom to make one's own choices and independence of persons. This is absolutely correct. जो PWD Act है, Persons with Disability Act 2016 का, it is based on the principles of respect होना चाहिए, inherent dignity, individual autonomy, including the freedom to make one's choice, independence of persons. And reason diya, in India child has the right to get admission to any school as per his choice. This is also correct. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंडिया में जो है, भारत में किसी बच्चे को उसकी पसंद के अनुसार स्कूल में प्रवेश लेने का अधिकार है, ये भी सही है. और जो अभी कथन है यानी कि assertion है कि PWD अधिनियम 2016 के अंतर्गत अंतर्निष्ठ प्रतिष्ठा हेतु आदर के सिद्धांतों व्यक्तिगत स्वायत्तता, इसमें किसी को स्वयं की पसंद बनाने की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की स्वतंत्रता शामिल है पर आधारित है. ये बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 36. दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वह एसर्शन एंड रीजन. एसर्शन क्या कह रहा है, मेन कंसर्न ऑफ ए मैनेजर इज टू मेक प्रॉफिट फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज ट्रू. जो मैनेजर यानी कि प्रबंधक की मुख्य चिंता होती है कि संगठन को लाभ पाना है, अपने संगठन को लाभ पहुंचाना.
और सेकंड में बात हो रही है लीडर, जो लीडर है हैज टू वर्क एज पर पीपल्स रिक्वायरमेंट्स, जो नेता है वो लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें जो हमें ध्यान में रखना है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि पहले तो बात कर रहा है मैनेजर की और वो है इंटरनल, ये आप कह सकते हैं, लीडर की बात हो रही है एक्सटर्नल, और दूसरी बात है कि जो पहले जो अभिकथन या assertion है उसमें मैनेजर की बात कर रहा है, रीजन दे रहा है ये लीडर का, दिस इज रॉन्ग। सो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, वॉट स्टेप्स आर फॉलोड लॉजिकली टू रिक्रूट पीपल, लोगों की भर्ती के लिए किन चरणों का अनुसरण किया जाता है, ये हमें करेक्ट सीक्वेंस पता नहीं है। सबसे पहले हमें देखना है कि जॉब की डिमांड क्या है, तो सर फर्स्ट स्टेप इज जॉब एनालिसिस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद कि हमें देखना है कि एडवर्टाइजमेंट हम देंगे, तो दिस इज द स्टेप टू। उसके बाद जो है कि हम इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद कि हमें टीचर चाहिए या फैकल्टी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट दे दिया, उसके बाद हमने उनका इंटरव्यू लिया, तो दिस इज द थर्ड स्टेप सी। उसके बाद हम करेंगे कि एग्रीमेंट फॉर वर्क और जॉब, दिस इज स्टेप फोर, एंड द लास्ट स्टेप इज ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन, उसके बाद ही हम उनका जो है कि ओरिएंटेशन या इंडक्शन होगा। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंसेस बी ए सी ई एंड डी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38, विच टाइप ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एनरोलमेंट, भारत में किस प्रकार की उच्च शिक्षा संस्था में छात्रों के नामांकन का प्रतिशत सबसे अधिक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज ट्रू, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ही सबसे ज्यादा छात्रों का नामांकन है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 39, मैचिंग करनी है हमें कॉन्सेप्ट इन मैनेजमेंट दिया, कॉन्सेप्ट स्केलर प्रिंसिपल, स्केलर प्रिंसिपल होता है कि जो मैनेजर है ही कैन कंट्रोल 5 or 6% इफेक्टिवली। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में बात हो रही है, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच ये बात करता है कि फैसिलिटी एंड लेजर एनहांस वर्क, ब्यूरोक्रेसी बात करता है कि जो है इसमें बात आ जाती है ब्यूरोक्रेसी में एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्टर वर्क्स एज पर गिवन रूल बुक होती है क्योंकि तो रूल्स फॉलो किए जाते हैं, और चेंज मॉडल होता है फ्रीजिंग, मूविंग एंड अनफ्रीजिंग। सो ए 4, बी 3, सी 1 एंड डी 2। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 40। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, द स्टेशन और रीजन, प्रॉक्सिमिटी बिटवीन पीपल एनहांसेस कम्युनिकेशन। अब यहां हमें ध्यान में रखना, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस, प्रॉक्सिमिटी मीन्स नियरनेस, तो लोगों के बीच निकटता संचार को बढ़ाती है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। और फेस टू कम्युनिकेशन डज नॉट इंश्योर, ये गलत कह रहा है, फेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इट इंश्योर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो ए इज राइट बट आर इज रॉन्ग। अब हम इसमें ऑप्शंस देखते हैं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 41, अटेंशन, परसेप्शन, लैंग्वेज, थॉट, मेमोरी, लर्निंग, ये सब क्या है, दीज आर ऑल द प्रोसेसेस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस, ये पहले भी काफी डिस्कस किया हुआ है, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, दैट इज कॉग्निटिव प्रोसेसेस। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ये जीन पियाजे का मॉडल हमने पढ़ा हुआ था, उसमें से लिया गया है, SPCF आपको बताया था, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर जो स्टेज है इट इज फॉर इन्फेंसी के लिए होती है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इट इज फॉर टॉडलर एंड अर्ली चाइल्डहुड, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है फॉर एलिमेंट्री एंड अर्ली एडोलेसेंस, एंड फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज इट इज फॉर एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। जैसे कि बताया था, दिस इज फॉर बर्थ टू 2 years, 2 to 7, 7 to 11, 11 एंड अबव।
So the correct answer of this question is option number 3. A3, B2, C1 and D4. A3, B2, C1 and D4. Now we move to question number 43. Which among the following statements are correct? This means कौन-कौन से statements correct है? Mental health is a part of mental hygiene. This is true. Mental health जो क्या है? Health, ये mental hygiene का ही part है. This is a part of mental hygiene. This is absolutely true. Mental hygiene prevents an individual from psychosis. ये बिल्कुल सही है. मानसिक स्वच्छता एक व्यक्ति को मनो विकृति से बचाती है. Mental hygiene promotes neurosis. This is wrong. Mental hygiene neurosis को promote नहीं करती है. And mental hygiene helps in treating mental disorders. मानसिक स्वच्छता मानसिक विकारों के उपचार में सहायता करती है. So option C is wrong. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी आपको क्या करना है? एक elimination method लगाना है. Eliminate option C. यहाँ पे C आ रहा है. ये this is wrong, this is wrong, this is also. The correct answer is option 1, A, B and D only are correct. Now question number 44. Among the following, which intelligences are associated with Howard Gardner's theory of multiple intelligence? बहुत आसान है. Linguistic true, musical true, spatial true. Social intelligence is not associated with Howard Gardner's theory of multiple intelligence. Correct answer is option D. A, B और C होती हैं. तो sorry, the correct answer is option number B. क्योंकि इसमें भी आपको क्या करना है? Eliminate method लगाना है. Eliminate option D. क्योंकि social intelligence नहीं होती Gardner की theory में. तो correct answer is option B. 2, A, B and C only. Now move to question number 45. The term emotional intelligence was created by, इसमें बहुत लोगों ने गलती करी थी, कि Daniel Goleman. ये कई बार आपको पहले ही बताया था, लेकिन करेक्ट आंसर है जो टर्म को क्रिएट किया था. इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म वाज क्रिएटेड बाय पीटर सेलेवोय एंड जॉन मेयर. जो डेनियल गोलमैन ने इन्होंने और इसको फेमस किया था, लेकिन टर्म को जो क्रिएट किया था वो थे पीटर सेलेवोय एंड जॉन मेयर. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4. नाउ मूव टू क्वेश्चन 46. अमंग द फॉलोइंग विच एक्टिविटीज आर ए पार्ट ऑफ द मेटाकॉग्निटिव कैटेगरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है. राइटिंग ए रिफ्लेक्टिव जर्नल, दिस इज अ पार्ट ऑफ मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी. विमर्शी जर्नल लेखन सेल्फ प्रेजिंग नहीं होता. मैग्नेटिक की अपना ही आप प्रेज नहीं करते. अपने को सेल्फ क्वेश्चनिंग होती है. अवेयरनेस ऑफ सेल्फ लर्निंग स्टाइल होती है. सो ऑप्शन बी नहीं होगा. अब आप इसमें देखिए ऑप्शन बी कहाँ कहाँ आ रहा है. दिस इज ऑल्सो एलिमिनेट मेथड लगाओ. एलिमिनेशन एलिमिनेट ऑप्शन बी. यहां देखिए बी इज दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी. ए सी एंड डी. आप देख रहे हो कई क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना होगा और यू कैन इजिली फाइंड द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 47. एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरीज दैट सिचुएट एक्सपीरियंस एट द कोर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस आर बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग, सोशल थ्योरीज ऑफ लर्निंग, कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग, बोथ सोशल एंड कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग. दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जो एक्सपीरियंशियल थ्योरीज हैं लर्निंग की दैट सिचुएट एक्सपीरियंसेस एट द कोर ऑफ लर्निंग प्रोसेस, दे आर बेस्ड बोथ ऑन सोशल एंड कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 48. द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल्स डिस्कवर एंड डेवलप देयर एजुकेशनल वोकेशनल एंड साइकोलॉजिकल पोटेंशियलिटीज. व्यक्तियों को उनकी शैक्षणिक व्यावसायिक और मनोवैज्ञानिक क्षमताओं को खोजने और विकसित करने में मदद की प्रक्रिया. ये तो हो गया आपका गाइडेंस. एंड देयर बाय टू अचीव एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ पर्सनल हैप्पीनेस एंड सोशल यूजफुलनेस. और जिससे व्यक्तिगत प्रसन्नता और सामाजिक उपयोगिता की बात कर रहा है तो यहाँ काउंसलिंग भी आ गई. तो इसका आंसर होगा काउंसलिंग एंड गाइडेंस बोथ. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 49. एनी काउंसलिंग थ्योरी और प्रैक्टिस दैट इनकॉर्पोरेट्स एंड कंबाइंस डॉक्ट्राइन्स फाइंडिंग्स एंड टेक्निक्स सेलेक्टेड फ्रॉम डाइवर्स थ्योरेटिकल सिस्टम्स. दिस इज वेरी इजी. इट इज कंबाइंस बोथ कह रहा है. डॉक्ट्राइन्स फाइंडिंग्स एंड टेक्निक्स. तो दिस इज द करेक्ट आंसर इज एक्लेक्टिक काउंसलिंग यानी कि संकलनात्मक उद्बोधन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 50. थ्योरी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन. यहाँ आपको बिल्कुल दिमाग लगाना है इसके चॉइस में. आपको की टर्म्स पे ध्यान देना है. यहाँ पे की वर्ड्स
ही टर्म्स यू साइकोडायनेमिक थ्योरी ऑफ काउंसलिंग की बात कर रहा है साइकोडायनेमिक, तो इट एक्सप्लेन्स पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, यहीं से आप आंसर देख सकते हैं। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ काउंसलिंग ये क्या कर रहा है, बिहेवियर की बात कर रहा है। तो यू कैन सी द ऑप्शन नंबर 4, इट इज यूज फॉर दोज विद बिहेवियर प्रॉब्लम्स। रैशनल थ्योरी ऑफ काउंसलिंग यहां पे क्या बात कर रहा है, अब रियलिटी या रियलिटी में क्या कह रहा है, फोकस इज ऑन रैशनल की भी चलिए आप बात कर लेते हैं। यहां पे आ रहा है इट इज यूज टू आइडेंटिफाई इरेशनल बिलीफ्स एंड नेगेटिव थॉट पैटर्न्स दैट मे लीड टू इमोशनल और बिहेवियरल इश्यूज। एंड लास्ट रियलिटी थ्योरी ऑफ काउंसलिंग की बात कर रहा है, फोकस इज ऑन इंप्रूविंग प्रेजेंट रिलेशनशिप्स एंड सर्कमस्टेंसेस और अवॉइडिंग डिस्कशन ऑफ पास्ट इवेंट्स। अब इसमें आ जाइए, जो हमारा था फर्स्ट ए का 2, B, 1, A, 2, B, 4, C, 1 and D, 3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3।